वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। देश के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अलगाववादी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ध्वजारोहण करने से रोकने की साजिश रची है। खुफिया एजेंसियों को इस बाबत जानकारी मिली है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने किसान उनके समर्थकों से अपील की है कि ट्रैक्टर से दिल्ली की सड़कें जाम कर दें ताकि पीएम झंडा ना फहरा सकें। सूत्रों का कहना है कि पन्नू ने पंजाब, कश्मीर, असम, महाराष्ट्र के किसानों को तिरंगा न फहराने को कहा है। गौरतलब है कि इसी साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों के एक हिंसक वर्ग ने लाल किले पर धर्म विशेष का ध्वज लहरा दिया था। इस दौरान दिल्ली में जमकर हिंसा भी हुई थी। पुलिस इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली में 15 अगस्त के पहले मानसून सत्र के बीच की अवधि को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मुताबिक ड्रोन जिहाद कर दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। दिल्ली को दहलाने की साजिश रची जा रही है। 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान बेस्ड आतंकी अराजक तत्व दिल्ली को दहला सकते हैं। 15 अगस्त के दिन राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले का बड़ा खतरा बताया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को आगाह किया है कि 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी थी, ऐसे में इस दिन ही आतंकी राजधानी दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। उस तरफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने 15 अगस्त की सुरक्षा व्यवस्था पर मीटिंग की। अस्थाना ने एक मीटिंग में कहा था कि बीते 26 जनवरी जैसी घटना फिर से नहीं होनी चाहिए, 15 अगस्त शांतिपूर्ण होना चाहिए, कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की बाधा न हो, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम सम्पन्न होना चाहिए। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।